मुरादाबाद महानगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जन्म दिवस उनके चित्र पर माल्य अर्पण कर एक गोष्ठी के रूप में मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता गोष्ठी में इकट्ठा हुए और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर फूल अर्पित किए। इस मौके पर मुरादाबाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बन ने सभी कार्यकर्ताओं का गोष्ठी में आने के लिए धन्यवाद दिया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जेएनयू का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। अगर जेएनयू का नाम बदला जाता है तो मुरादाबाद ही नहीं पूरे देश की कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और उसका पुरजोर विरोध करेगी, जिसको लेकर आने वाले समय में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भी भेजा जाएगा, जिसमें मांग करी जाएगी कि जेएनयू का नाम न बदला जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम उनकी जीवनी बच्चों के कोर्स में शामिल की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस प्रकार के कार्य किए, जिससे यह देश तरक्की की दिशा में बढ़ चला। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित आयरन लेडी श्री इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस है एक हम संकल्प का। हमारी पार्टी कहाँ कमजोर है, हमारे कार्यकर्ता कहाँ कमजोर है, हमें कैसे उनके अंदर जागरूकता करनी है, आज हम इसके विषय में हम बात करें। हम मांग कर रहे हैं कि जो बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है उसके अंदर इंदिरा गांधी जी की का इतिहास भी उसके अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने जो इतिहास है, इतिहास गायब कर दिया। इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये देश किसने आजाद कराया, ये बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा किसने कराया, यहाँ बड़े से बड़े हॉस्पिटल किसने दिए और बड़े से बड़े शिक्षा से संबंधित बड़े से बड़े कॉलेज ये किसने दिए। पूछते हैं कि ये क्या इंदिरा गांधी जी ने वो दे दिया आज हिंदुस्तान के अंदर, ये अगर 50 साल और आगे बढ़ जाएंगे ये आरएसएस के लोग वो चीज ये एक चीज दे सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का एक साजिश मतलब कर सकते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से एक बात और आपको कहना बता रहा हूँ, जैसे कि पता चला है कि श्री राज्यपाल यहाँ पर हमारी श्री जिलाधिकारी की एक पत्र के माध्यम से एक कांग्रेस पार्टी का जन प्रतिमंडल हम उनसे मिलने के लिए उनको लेटर देंगे। हमारे क्षेत्र में क्या 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 समस्या है, हमारे पीतल के कारीगर क्यों परेशान हैं और जनता को क्या क्या परेशानी है, चाहे वो नगर निगम से संबंधित, मुरादाबाद विकास परिषद से संबंधित हो और चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, हम एक उनको ज्ञापन देंगे और हमारी मांग पूरी नहीं की गई। और एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे कि आज समाचार माध्यम के द्वारा पता चला है कि दिल्ली में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया, अगर बदलने के लिए सोच भी लिया तो पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी सड़कों पर होगी, हम मुकदमों से नहीं डरेंगे, कुछ भी हो जाए ये नाम नहीं बदला जाएंगे। ये इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और हिंदू हो या मुसलमान हो हम भाई हैं, ये इनको लड़वाने की कोशिश थी। ठीक है, मैं इसके साथ ही अपनी बात यहीं पर खड़ा हूँ, करता हूं कि हमें अच्छी शिक्षा दें, हमें अच्छा अच्छी बात बताएं, लेकिन ये इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये देश को बांटने से